हरदोई में गौकशों के गिरोह ने पहले गौकशी की कोशिश की, पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर रख रही थी। इसके बाद ये अपराधी पुलिस से दो दो हाथ करने को भी तैयार हो गए। फिर क्या था, गोलियां चली, जमकर चली और गिरोह के सभी सदस्य पकड़े गए। कुछ पुलिस के सहारे अस्पताल पहुंचे तो कुछ सीधे जेल की हवा खाने भेज दिए गए। यूपी में गलत करोगे तो पकड़े जाओगे। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर योगी की पुलिस ने गौकशों के एक गिरोह को धर दबोचा है। ये लोग भूल गए थे कि ये यूपी है और हर अपराधी की सजा योगी राज में तय है। योगी की पुलिस ने ऐसी जगह इन्हें गोली मारी है कि ना ही ये दौड़ने लायक बचे हैं और ना ही अपने पैरों पर खड़े होने लायक भी बचे हैं। पुलिस टीम ने मुठभेड़ में गौकशी करने की कोशिश करने वाले अपराधियों को मुठभेड़ में ऐसी हालत में पहुंचा दिया कि ये अब पुलिस के कंधों पर बोझ बने हुए हैं। दरअसल देर रात पुलिस टीम ने गश्त के दौरान पाए कि टड़ियावा थाना क्षेत्र में अली शाहबाग ईदगाह के पास कुछ संदिग्ध लोग साजिश रच रहे हैं, जिसके बाद यूपी की पुलिस ने इस गिरोह का भंडाफोड़ करने का प्लान किया। दोनों ही ओर से गोलियों की तड़तड़ाहट बता रही थी कि योगी की पुलिस इन्हें सबक सिखाने के लिए पूरे इंतजाम के साथ पहुंची थी। आपको बता दें कि 5 जुलाई को गोवंश के अवशेष पाए गए थे। मुठभेड़ के दौरान 2 पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं, जबकि पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। सूचना मिली कि हररई गांव के पास अली शाहबाग ईदगाह के पीछे कुछ लोग इकट्ठे हैं जो इस तरह काम करते हैं। हमारी टीम ने इसकी घेराबंदी किया। अभियुक्तों ने अपने को घिरा देखकर पुलिस टीम पर फायर किया। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें 2 अभियुक्त घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक 4 अभियुक्त हैं, इनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। इन लोगों के पास से पशु काटने के औजार, चाकू, बांका, लकड़ी के ठीहे जो होते हैं वो बरामद हुए हैं। साथ में तमंचा, 2 तमंचे हैं और कारतूस हैं, खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। मोहम्मद अहमद और सिद्दीकी फिलहाल अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं, तो इनके 2 साथी अजय और नन्ने अब पुलिस के गिरफ्त में हैं। खास बात यह है कि इन आरोपियों पर पहले भी गोवंश के मुकदमे दर्ज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द मीडिया।